अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़खर ज़मान है और आप देख रहे हैं फ़खर टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बार बीडिंग शेड्यूल और बीम शेयर करूंगा। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक बीम है और इसकी लंबाई हमारे पास है 20 फीट और एक साइड से भी कॉलम है और दूसरी साइड से भी कॉलम है। कॉलम दोनों साइडों पे हमारे पास 9x9 इंच का है और ये इसके क्रॉस सेक्शन है। तो जो हमारे पास जो बीम है वो हमारे पास 9x22 इंचज़ है और इसमें जो हॉरिजेंटल बार यूज़ होते हैं वो हमारे पास ये 8 हॉरिजेंटल बार है और 8 सुतर का है। और जो हमारे पास रिंग इस्तेमाल होंगी वो हमारे पास ये 3 सुतर का और 6 इंच स्पेस भी है। जो इसमें हुक इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास ये 3 इंच की 2 हुक्स है और कंक्रीट का और हमारे पास ये 1 इंच चारों साइडों पर। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रिंग मालूम करने हैं। तो उनके लिए फार्मूला है हमारे पास टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। स्पेसिंग क्या है? ये दो रिंग्स के दरमियान जो हम स्पेस देते हैं उसको हम स्पेसिंग कहा जाता है। तो स्पेसिंग हमारे पास कितने हैं? 0.5 फीट प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग हमारे पास आ जाते हैं 41 नंबर्स ऑफ रिंग। तो अब हमने मालूम करने कटिंग लेंथ ऑफ 1 रिंग। उनके लिए फार्मूला है हमारे पास 2a + b + hooks - bend of 90° and 135° - concrete cover। 2 हमने इसलिए प्लस किया क्योंकि हम चारों साइडों को प्लस करते हैं रिंग की और इसमें हुक प्लस करते हैं बेंड टर्म प्लस कंक्रीट का और इसी माइनस करते तो हमारे पास कटिंग लेंथ आ जाते हैं। 2a हमारे पास कितना है? 9 इंचज और बी हमारे पास कितने? 22 इंचज प्लस 2 मैंने इसलिए हुक के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास 2 हुक्स होती है। 2 × 3 हमारे पास है 1 हुक का लेंथ हमारे पास है 3 इंचज माइनस बेंट अप 90° का जो फार्मूला है बेंट अप के लिए वो हमारे पास है 2d। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, d हमारे पास डायोब बार है, डायोब बार हमारे पास कितने हैं? 3 सुतर है। तो ये हमें इंच में चाहिए इसलिए मैंने 8 पे डिवाइड किया। कितनी बेंड अप है हमारे पास? 3 बेंड अप है 90° 1, 2 and 3। तो मैंने 3 इसलिए इधर मल्टीप्लाई किया प्लस जो 135° का फार्मूला है वो हमारे पास 3d है। 3 हमारे पास कांस्टेंट है और डाय और बार हमारे पास है 3 सुतर और मैंने डिवाइड किया 8p × 2। 2 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि एक इधर से बेंड होते हैं और एक इस साइड से बेंड हो जाते हैं तो हमारे पास 2 बेंड अप आ जाता है प्लस 4 × 1। 4 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हमने चारों साइडों से कंक्रीट कवर माइनस करने हैं तो कंक्रीट कवर हमारे पास 1 इंच है। अगर इन दोनों को आपस में प्लस करें तो हमारे पास आ जाते हैं 68 इंचज और अगर इन तीनों को आपस में प्लस करें तो हमारे पास आ जाते हैं 8.5 इंचज। अब हमने 68 से माइनस करने 8.5 इंचज तो हमारे पास आ जाते हैं 59.5 इंचज। अब हमें ये फीट में चाहिए तो हम इसको 12 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 फीट बराबर है 12 इंचज। तो हमारे पास आंसर आ जाते हैं फीट में 4.95 फीट। ये हमारे पास एक रिंग की कटिंग लेंथ आ गया 4.9 फीट। अब हमने मालूम करने हैं टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ के लिए रिक्वायर्ड होंगी नंबर्स ऑफ रिंग मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ ऑफ 1 रिंग्स। नंबर्स हमारे पास कितने? 41 और कटिंग लेंथ हमारे पास कितने? 4.95 फीट। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाते हैं 203.29 फीट। अब हमें चाहिए टोटल वेट। तो उनके लिए रिक्वायर्ड होंगी पर फीट वेट और मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। तो पर फीट की वेट हमारे पास आ जाता है इस फार्मूले के हिसाब से d² / 52.9 × L। डाय हमारे पास है 3 सुतर × 52.9 × L हमारे पास 1 फीट। तो अगर इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाते 0.170 kg/ft। ये 3 सुतर का वेट पर फीट के हिसाब से आ जाता है। तो पर फीट के हिसाब से हमारे पास टोटल वेट आ जाते हैं 0.170 × टोटल लेंथ हमारे पास कितना है?
203.29 फीट। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल वेट आ जाते हैं 35 kg। अब हमने मालूम करने नंबर ऑफ हॉरिजेंटल बार, हॉरिजेंटल बार ऑलरेडी हमारे पास 8 है तो इसकी हमने कटिंग लेंथ मालूम करने है। तो कटिंग लेंथ के लिए फार्मूले टोटल लेंथ प्लस ओवरलैप प्लस कॉलम माइनस कंक्रीट कवर। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितने 20 फीट है इसकी, और प्लस ओवरलैप हमारे पास है नहीं क्योंकि 40 फीट से कम है। तो प्लस कॉलम मैंने इसलिए प्लस किया क्योंकि ये इसका लंबाई इधर से इधर तक है, तो 9 इंच और 9 इंच हमने कॉलम दोनों साइडों से प्लस किया, तो वो 9 इंच प्लस 9 इंच डिवाइडेड बाय 12 तो हमारे पास आते 0.15 फीट। माइनस कंक्रीट कवर, हम दोनों साइडों से कंक्रीट कवर माइनस करते हैं 1 इंच, तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे और ये इसी माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाते 21.34 फीट। अब हमने टोटल लेंथ मालूम करने है, टोटल लेंथ के लिए रिक्वायर्ड होंगी नंबर्स मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ। नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी 8 है, कटिंग लेंथ हमारे पास 21.34 है। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाते 170.72 फीट। अब हमने टोटल वेट मालूम करना है, तो पर फिट के हिसाब से हमारे पास वेट है 0.68 मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमारे पास है 170.72। तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल वेट आ जाते 117 kg। इस बीम के लिए 35 kg 370 सरिया रिक्वायर्ड होंगी और 870 का सरिया रिक्वायर्ड होंगी 117 kg। ये 870 सरिया रिक्वायर्ड होंगी। अगर वीडियो पसंद होंगी तो इसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी मसला हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।